अखिलेश यादव से बहुत बड़ी फैन लग रहे हो आप। हाँ वो तो है ही है, 20 बार मिले कोई मामूली बात। 20 बार मिले हो? 6 साल से करते हो 20 बार मिलके। अभी हमको नया साल वाले दिन सन 2021 को बुलाए थे तो हमको टच वाला मोबाइल दिए थे। क्या क्या बात हुई? अरे 10 मिनट हमसे बदलाए थे, वो कह रहे थे कि तुम्हें डिंपल भाभी लाइक नहीं करती, हमने कहा लाइक करती है आप, मानो जाए ना मानो। और क्या क्या बतलाया ये तो बता दो, कुछ तो बतलाया होगा ना, दिल की बात क्या क्या करे। और अखिलेश यादव और क्या बात करे आपके साथ? अरे अखिलेश यादव जी ने कहा, नमस्कार मैं जून मैसी, इस वक्त हम लोग लखनऊ में है जनेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आज अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 15 साल का बच्चा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं बहुत दूर से आए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्यों आए आप यहाँ पर? जी यहाँ तक ऐसा लगता है कि ये जो थे ये बहुत महान नेता थे, ये सबकी मदद सब हर वक्त करने पे, जहाँ इनको 12 बजे रात में फोन कर दो तो ये उठ के आ जाते थे। तो आज इनकी पूर्ति थी तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। माननीय अखिलेश यादव जी उनको तो हमारा नमस्कार हो, और वो इतने समय साइकिल यात्रा निकाल लेंगे, यहाँ दफे आएंगे तो फिर चढ़ाएंगे माला, यहाँ दफे कार्यक्रम भी है और यहाँ दफे सारी व्यवस्था टाइट है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज। अयाज कहाँ से आए हो आप? हम हैं अमेठी जिला। अमेठी जिला से? अमेठी जिला से यहाँ पर कैसे आए हो, और भी कोई है साथ में? जी हम यहाँ पे आज से नहीं हैं, हम यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने के लिए 6.5 साल से लगे हैं मेहनत करने के लिए। आप 15 साल की हो, 6.5 साल से आप लगे हो, बहुत छोटे थे, क्या समझ में आया आपको पार्टी को, क्या मजबूती चाहिए? मजबूती ये चाहिए कि जो अन्याय हो रहा है इतने समय, अन्याय को कम बढ़ाए, और जो गैस पे डीजल का दाम देख लीजिए 92 रुपए है उसको कम घटाएं मोदी जी। अच्छा जी, तो क्या क्या समझ में आते हैं आपका? अब डीजल पेट्रोल का रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्या लग रहा है, छोटा बच्चे हो आप, इतना कुछ क्या समझ में आ रहा है आपको? हमें तो यही पार्टी समझ में आती है, सबको मदद भी करते हैं। योगी जी को कोरोना से डर लगता है, हमारे अखिलेश यादव जी को डर नहीं लगता, फिर भी सबसे मुलाकात करते हैं और रोज उनकी हेल्प भी करते हैं। हाँ वक्त योगी जी के घर के पास कोई भी चला जाए किराया भाड़ा नहीं मिलेगा, अखिलेश जी के घर के पास कोई भी चला जाए किराया भाड़ा भी मिलेगा, मदद भी होगा, खाना पीना खिला के भेजेंगे भी। जी आपके मदद किए हैं अखिलेश जी? हमारे लोहिया कॉलोनी दिलवाए हैं। अच्छा जी, तो 15 साल की उम्र में आप यहाँ पहुँचे हैं, आपके हाथ में ये झंडा भी है समाजवादी पार्टी का, तो आप इतना गर्मी में यहाँ पर घूमते हुए मुझे नजर आ रहे थे, आप घूम रहे थे यहाँ पर, तो आप ये कह रहे पार्टी को मजबूती देना है, तो पार्टी में क्या कमजोरी लग रही है आपको? कमजोरी यही लग रहा है जो अन्याय हो रहा है, योगी जी को खुद सोचना चाहिए कि योगी जी अभी कहे थे ये कि गोरखपुर में बिजली नहीं आती तो हमारे अखिलेश जी ने ऐसे कर देती हूँ मैं आपको, शक्ल नहीं दिखाई दे रहा। जी इधर सुनिए, अखिलेश जी ने जवाब ये दिया कि कोई भी गोरखपुर का एक तार पकड़ के दिखाया अभी खुद पता चल जाएगा कि बिजली आती है कि नहीं आती, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जी अच्छा, तो आप योगी जी का कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं लग रहा है? वो हरदम हेलीकॉप्टर पर उतरते रहते, उतरने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा जी, जमीन पे नहीं उतरते क्या? जी कहाँ उतरते हैं, अभी आप कभी भी चले जाइए कालिदास मार्ग पे तो योगी जी ये नहीं सुनने को आपको मिलेगा कि योगी जी अपने सबसे मिल रहे हैं। जी आप ये बताइए, योगी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उनसे पूछ लीजिए ये कि कहाँ दे रहे हैं गरीब को, बड़ी बड़ी बस होल्डिंग से क्या होता, होल्डिंग तो कोई भी लगवा सकता है, होल्डिंग हम भी लगवा सकते हैं। जी तो आप जिस तरीके से आपके पैरों में तकलीफ है ना, जी तो आप लोग पोलियो हुए हैं, तो आपके लिए स्पेशली क्या हुआ है, क्या करा है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलवाए, उसमें कर दिया बाबा जी ने 112, और चलवाए मेट्रो, स्टेडियम बनवाए, कहिए हाँ 4 लाइन बनवाए। अभी भी चले जाइए आप, कहीं दूर की बात नहीं बताएंगे हम, सुल्तानपुर पार करिए और जौनपुर तक अगर रोड आपको सही मिल जाए तब कहना अखिलेश जी की सरकार होती, तो अब तक ये सुल्तानपुर तक क्या बिहार तक रोड एकदम करेक्ट बन जाती। जी अभी तो योगी जी कह रहे हैं कि, अरे तो हम खुद कह रहे हैं योगी जी जाके चांद सुल्तानपुर पार करिए, लम्भुआम पहुंचिए, बताइए रोड बनी है कि नहीं बनी। आपको पॉलिटिक्स का बहुत ज्ञान है, आप ये बताइए कि अभी आपको पता होगा अमित शाह भी आए थे, हाँ। तो बता रहे थे कि योगी जी इतना सारा काम कर रहे हैं। अरे अमित शाह जी खुद अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं तो हमारा लुक्का गरीबों मजदूर का क्या भरेंगे, क्यों गरीबों को क्या परेशानी, मुफ्त राशन, मुफ्त राशन मिल रहा तो आदमी कितने दिन खाएगा,
जी जिसका बड़ा परिवार वही तो जानेगा कि दूसरा कोई जाने। अब एक दो लोग हैं तो उनका चलेगा महीना भर, और जिसका बड़ा परिवार है वो क्या करेगा। अच्छा, परेशानी हो रही है गरीबों जी। अब उनको ये सोचना चाहिए कि पानी ट्यूबवेल से जो खेत में लगता है वो फ्री करा देना चाहिए, ये नहीं करा सकते। और डीजल सस्ता करा देना चाहिए, गैस सस्ता करा देना चाहिए। अभी तेल आपको बता रहे हैं वेल कोलू 190 रुपए लीटर था, और जोन की था 135। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पार्टी को मजबूत करने के लिए जी, कोई कारण नहीं आज अखिलेश यादव क्यों आ रहे हैं पता है आपको यहाँ पर? जी पता है, बताइए। माला चढ़ाने आज उनकी पुण्यतिथि है जी। अच्छा, इसीलिए आ रहे हैं जी। हाँ, आप भी इसी वजह से आए हैं जी। ठीक है मोहम्मद, हमसे बात करने के लिए और कुछ कहना चाहोगे आप? जी हम ये कहना चाहते हैं कि योगी जी बस 22 में कुर्सी खाली है रखना। अच्छा। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अच्छा, 2022 में कुर्सी खाली रहना, ये बात आ गई ना, क्यों कुर्सी खाली कर देना? अरे तो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या सोचेगी। अच्छा, इसीलिए आज ये बताने आए हो आप यहाँ पर? अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव से बहुत बड़ी फैन लग रहे हो आप। हा? वो तो है ही है, 20 बार मिले, कोई मामूली बात। 20 बार मिले हो? 6 साल से करते हो 20 बार मिलके? अभी हमको नया साल वाले दिन सन 2021 को बुलाए थे तो हमको टच वाला मोबाइल दिए थे। कहाँ है मोबाइल? 5,000 रुपए। अब यहाँ पे हम फुटपाथ पे लेते हैं, कोई भी चोरा सकता है, इसी के मारे हम मोबाइल नहीं लेके आए। अच्छा, 20 बार मिले हो, 15 साल का हो लेकिन 20 बार मिले हो जी, कमाल हो गए। अब कुर्सी खाली करना है योगी जी को? खैर नहीं, अब अब गोरखपुर जाए वही बिजली का तार पकड़े भी पता चलेगा लाइट कब आती है। अच्छा, ये बात है, योगी जी कह रहे थे ना। हाँ। जी अच्छा, उनको आप गोरखपुर भेज दोगे? हाँ? जी ये बात है, तो 2022 कुर्सी खाली है। हाँ, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनको फूल माला तैयार रखना जी। ठीक है, ये देखिए हमारे साथ 15 साल का बच्चा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनको कितना कुछ बोला है इन्होंने। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए सरकार कोई सा भी हो, लेकिन ऐसे बच्चों की मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग। सुनिए मैडम जी, योगी जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो स्कूल है उसमें नल लगवा देना चाहिए, और गांव-गांव की हर रोड सही करवा देने चाहिए। नल तो लगा तो रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं दिखाएं किसी का? कह रहे रोड भी चमचमाते हो, रोड बना रहे। रोड आप हमारी कुआं के आके देखिए तब कहिएगा। उज्ज्वला योजना सबको गैस भी पहुंचा रहे आप कह रहे हैं? अरे तो आप देख नहीं ले लीजिए, 1,000 रुपए लूट रहे अपना, गैस जो दिए उसका तो पैसा वसूल रहे हैं। अच्छा जी, तो इस बार कुर्सी खाली और क्या? इस बार कुर्सी खाली। देखिए छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, लेकिन इसने जो भी कुछ बोला है आपने सुना है। लेकिन हम भी, कोई भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए मदद जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा किस हालात में। आप पढ़ाई करते हो? जी हम करते तो नहीं, मगर इंग्लिश में साइन करना आता है। और इधर सुनिए, इधर तो सुनिए, जो विकलांग है उसका सर्टिफिकेट तुरंत बन जा रहा है, और जो विकलांग है उसको कहते हैं 18 साल बाद आओ तब तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा जी। अच्छा, तो और भी कुछ कहना चाहोगे? अब अखिलेश जी हमारे साइकिल भी दिए थे, योगी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? साइकिल भी दिए, साइकिल तो इसीलिए दिए है ना, क्योंकि इनका सीन ही है, साइकिल इसीलिए दिए होंगे। वो तीन पहिया वाली हम विकलांग है ना। अच्छा, अब अभी सरकार बनेगी, इधर सुनिए, अभी सरकार बनेगी तो हमें चार पहिया स्कूटी देंगे अखिलेश यादव। अच्छा, बात हुई है जी? क्या क्या बात हुई है? अरे 10 मिनट हमसे बदलाए थे, वो कह रहे थे कि तुम्हें डिंपल भाभी लाइक नहीं करती, हमने कहा लाइक करती है आप। हाँ। मानो जाए ना मानो। और क्या क्या बतलाया ये तो बता दो, कुछ तो बतलाया होगा ना, दिल की बात क्या क्या करे। अरे और काफी देर बतलाए तब हमारा डिंपल भाभी क्यों लाइक नहीं करते? हमें करती है। अखिलेश जी कह रहे थे कि नहीं तुम्हें लाइक नहीं करती लाइक, तो हमने कहा कि करती है लाइक। हाँ, जी। और क्या बात हुई है? बात हुई। और क्या क्या वादा किया, क्या क्या देने वाले हैं? अरे सरकार बनेगी तो सब मिलेगी, किसी गरीब को दुख नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इस बार कुर्सी खाली करवाने हैं योगी जी का? हाँ, देखिए ये बेईमानी करके जीत ले तो कोई बात ही नहीं। क्यों, कहाँ से होता है बेईमानी, क्यों लग रहा है? अब अगली बारी भी तो कर रहे थे बेईमानी, इसी के मारे ममता बनर्जी ने ऐसा फुटबॉल मारा कि वहाँ दप्पे से उठने की कोशिश ही नहीं करी फिर। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, स्कूल नहीं गए हो? स्कूल नहीं जाते हो जी? क्या करते हो अभी घर में? अभी हम प्रचार करेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रचार करेंगे। अच्छा, बस इन्हीं की शादी लगे रहोगे और क्या? चलिए, ये इनका विचार अच्छा है, इनका काम अच्छा है। काम बोलता है बस हिंदुस्तान का जी। ये आप कह रहे हो कि काम बोलते हैं, इस बार काम क्यों बोलेंगे 2022 में? वो तो है ही है, सरकार बनेगी तो और बढ़िया काम होगा जी। सरकार बनवाने का इरादा है, क्या लग रहा है? अरे आपकी साइकिल चल, गांव में जहाँ रहते हो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? वहाँ के लोग यही कहते हैं कि योगी जी नहीं आएंगे आपकी। वो भी खुश नहीं है?
जी नहीं, खुश होते तो योगी जी को हम लोग क्यों उल्टा सीधा बोलते, आप बताइए। अच्छा, और अखिलेश यादव और क्या बात करे आपके साथ? अरे अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार आने दो बेटा, तुम्हें हम चार पहिया स्कूटी बनवा देंगे। और बस ठीक है। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार किसी का भी हो लेकिन इनकी मदद जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की सहारा सिर्फ सरकार ही दे सकते हैं। आम इंसान तो देते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे किस हालात में है। लेकिन ये कहना है कि 2022 के लिए कह रहे हैं कि कुर्सी खाली करना है, योगी जी कुर्सी खाली करना है, क्योंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं।